हेलो टीचिंग बाजी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के डिस्कस करने जा रहे हैं और ये जो 30 क्वेश्चन थे ये रिसेंटली जो एग्जाम हुआ VLW का उसमें पूछे गए थे। तो कंप्यूटर कोई भी एग्जाम JKSSB लेता है, मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर देखा गया है कि कंप्यूटर का जो पोर्शन होता है वो पूछा जाता है। जैसे यहाँ VLW में 30 मार्क्स थे तो हम देखते हैं 30 क्वेश्चन कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्वेश्चन पहला आया था, क्या फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन क्या रहता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। पहली बात क्या है कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट विद अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का और बहुत सारे नाम है, जैसे हम इसको कहते हैं प्रोसेसर सिस्टम यूनिट और कंप्यूटर टावर भी हम CPU को कहते हैं, कंप्यूटर टावर, या हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, या हम CPU को कहते हैं, ठीक है ना। और जो CPU होता है ये कंटेन करता है बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो कि कंबाइनली जिसको कहा जाता है सिस्टम यूनिट, ठीक है ना। ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम एक चीज बताएंगे आपको कि जो CPU होता है, CPU में ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सक्यूशंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या होता है एक्सक्यूशंस ऑफ इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं आप, या आप कह सकते हैं दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्यूशंस ऑफ प्रोग्राम्स एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एंटायर सिस्टम। अब जो इनपुट और आउटपुट की बात करें, इनपुट हो आउटपुट हो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हो, उनको हम कहते हैं पेरिफेरी ऑफ द CPU। क्या कहते हैं हम उनको, उनको हम कहते हैं पेरिफेरी ऑफ द CPU, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पेरिफेरी कौन से होते हैं, जो इनपुट्स आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं प्राइमरी ऑफ पेरिफेरी ऑफ द CPU, क्योंकि ये डिवाइसेस जो होती हैं ये क्या होती हैं, इनके साथ कनेक्ट होती हैं, ठीक है ना। तो ये है, इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, पूछा गया था VLW के एग्जाम के अंदर, एक्सक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इसका आंसर आता है। दूसरा क्वेश्चन था विच कंप्यूटर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा इन ए लॉन्ग टर्म नॉन वोलाटाइल मैनर। ये क्वेश्चन मेमोरी से पूछा गया था, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कौन सा इनमें से रिस्पॉन्सिबल है जो कि बहुत टाइम डेटा को स्टोर करेगा और नॉन वोलाटाइल होगा। क्या होगा, नॉन वोलाटाइल होगा। ये क्वेश्चन किससे है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कहां से, स्टोरेज डिवाइसेस से, ठीक है। देखिए इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं क्योंकि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। देखिए जब हम पढ़ते हैं मेमोरी, क्या पढ़ते हैं हम, जब मेमोरी पढ़ते हैं, मेमोरी जब हम पढ़ेंगे इसके अंदर आपको तीन किस्म की मेमोरी पढ़नी पड़ेगी। एक किस्म की मेमोरी होती है जिसे हम कहते हैं मेन मेमोरी, मेन मेमोरी को ही हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। दूसरी जो होती है वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। तीसरी मेमोरी जो होती है उसको हम कहते हैं कैची मेमोरी, ठीक है ना। ये कैची मेमोरी होती है, ये तीन किस्म की मेमोरी आपको पढ़नी पड़ेगी। मेन मेमोरी के अंदर आपका आएगा सिर्फ रैम और रोम को आप याद रखिएगा, ये आएंगे आपके मेन मेमोरी के अंदर। और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपका CD हो, मेमोरी डिस्क हो, या फ्लॉपी डिस्क हो, फ्लैश डिस्क हो, मैग्नेटिक टेप हो, हार्ड ड्राइव हो, ये सब आते हैं सेकेंडरी के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शंस लिखे हुए हैं कि आपको बताना है नॉन वोलाटाइल। देखिए रैम जो होता है ये वोलाटाइल होता है, ठीक है ना, जब हम मेमोरी की बात करते हैं। CPU जो है ये मेमोरी पे अंदर नहीं आएगा, मॉनिटर भी जो है ये मेमोरी के अंदर नहीं आएगा, या रैम और हार्डवेयर दो आ रहे हैं, ठीक है ना। हार्डवेयर की अगर हम बात करें, हार्डवेयर इंपॉर्टेंट बनता है,
हार्डवेयर जो है ये स्टोर करता है लॉन्ग टर्म डेटा, तो ये इसके अंदर जो होती है नॉन वोलेटाइल मैनर होती है। जो रैम होती है ये वोलेटाइल होती है, हार्डवेयर जो होती है ये नॉन वोलेटाइल होती है। तो इसका जो आंसर आएगा जी वो आएगा हार्डवेयर। क्या आएगा? हार्डवेयर इसका आंसर आएगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, रैम और हार्डवेयर। तो इनमें से अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म जो है वो हार्डवेयर जिसका है आंसर आएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मेन फंक्शन जो है वो क्या होता है? देखिए, अब आप सिस्टम का आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, जो कंपोनेंट्स आर्किटेक्चर होते हैं वो डिवाइड होते हैं थ्री टाइप्स में। कितने टाइप्स में होते हैं? थ्री टाइप्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो आएगा वो आएगा इनपुट डिवाइस आता है, आउटपुट डिवाइस होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस फिर होते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। तो अगर हम बात करें जो मेन फंक्शन होता है इनपुट डिवाइस का, द डिवाइसेस विच गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। वो डिवाइस जो इंस्ट्रक्शन देती है कंप्यूटर को, यहां से हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे माउस होता है, कीबोर्ड होता है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है, सीडी ड्राइव है, जॉयस्टिक होता है, बारकोड रीडर होता है, रील कैमरा होता है, ओसीआर, ओएमआर, वेबकैम, एमआईसीआर डिवाइस, ये जो सभी होते हैं ये आपको ये आते हैं इनपुट डिवाइस के अंदर, ठीक है ना। माउस भी आप जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? इंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। जब हम यहां से डेटा को इंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो ये होता है इनपुट का मेन जो है इसका फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो आपको मैंने बता दिया क्या कुछ होता है, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पे क्या बताया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में? देखिएगा, सॉफ्टवेयर के बारे में आप जानते ही होंगे। सॉफ्टवेयर में आप क्या पढ़ रहे हैं? सॉफ्टवेयर में आप पढ़ते हैं टाइप्स। टाइप्स के अंदर सॉफ्टवेयर को आप डिवाइड करते हैं थ्री में, ठीक है। थ्री का मतलब क्या होता है? एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और आपको बताते चले कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आता है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम जो आता है वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, इसमें जैसे स्प्रेडशीट है, वर्ड प्रोसेसर है, ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन है, डेटाबेस मैनेजमेंट है, वो आता है किसके अंदर? एप्लीकेशन के अंदर। यूटिलिटी की जो सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें आता है, जैसे डिस्क बैकअप होता है और डिस्क रिस्टोर होता है और एंटीवायरस जो होता है, ये सब आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है जी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि सुपरवाइजर ऑफ कंप्यूटर फंक्शन कहा जाता है, और ये क्रिएट्स करता है इंटरफेस बिटवीन यूजर और कंप्यूटर। इसकी एग्जांपल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स आती हैं, जैसे हम बात करें ZOS, उसके बाद है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज के बाद आता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स के बाद आता है MS-DOS, जो है MS-DOS भी आता है, यूनिक्स आता है, सोलरीज आता है, यूबंटू आता है, एप्पल मैकिंटोश आता है, मोबाइल फोन जो है वो आते हैं। तो बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे यहाँ पे आएगा टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा, ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और क्या होता है? फंक्शन जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये होते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। तो आगे बहुत लंबा है, जैसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की, मल्टी यूजर आता है, मल्टी टास्किंग आता है, मल्टी प्रोसेसिंग आता है, मल्टी थ्रेडिंग आता है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, आप देख सकते हैं बहुत कुछ आता है, जैसे आप एमएस वर्ड, एमएस डॉस सॉफ्टवेयर, वर्ड परफेक्ट, एमएस एक्सेल, एमएस एसएस, सब जो आते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। और यूटिलिटी के अंदर जैसे डिस्क, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होगा जो डिटेक्ट करता है, डिलीट करता है वायरस को सिस्टम के अंदर, तो बहुत कुछ है आगे। तो इतना काफी है मुझे लगता है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस एंड मालवेयर।
कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वायरस से बचने के लिए, मालवेयर से बचने के लिए डिजाइन किया जाता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एंटी वायरस जो सॉफ्टवेयर है ये यूज होता है। उसके बाद आता है जी आपके आपके पास आता है नेक्स्ट जो आता है वो है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए मॉडेम। मॉडेम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? देखिए मॉडेम का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें इंटरनेट की जरूरत होती है, टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स टू द इंटरनेट। जब हम कंप्यूटर्स को इंटरनेट के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, वहां पे जो मॉडेम होता है मॉडेम का वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इस बार आया हुआ था, ठीक है ना, मे बी फिर कभी एग्जाम के अंदर पूछा जाए। उसके बाद आता है जी व्हाट इज द पर्पस ऑफ रैंडम एसेस मेमोरी इन ए कंप्यूटर। रैम का जो है क्या फंक्शन रहता है आपके कंप्यूटर के अंदर, ठीक है ना, इसका मेन पर्पस क्या होता है? जैसे आपको मैंने बताया था रोम के बारे में, इस तरह से जो रैम है, रैम का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जो आते हैं ये टाइप्स ऑफ मेमोरी के अंदर आते हैं, और ये जो मेमोरी कौन सी होती है इसे हम कहते हैं मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का मतलब क्या होता है भाई, प्राइमरी मेमोरी जो होते हैं, प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी कहते हैं, चाहे रैम हो चाहे रोम हो, दोनों जो हैं ये किसके अंदर आती हैं, ये आती हैं प्राइमरी मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है हमें उसको उस क्वेश्चन को देखना है कि जो रैम है, रैम के बारे में इसने क्वेश्चन पूछा है क्या कुछ है। तो देखिएगा इसके बारे में हम इसमें डिफरेंस का पता होना बहुत जरूरी है। देखिए जो रैम होती है इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि जो रैम होती है रेंडम एसेस मेमोरी ये होती है जी वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है जी, वोलाटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी। क्या होता है ये, टेम्परेरली स्टोर करती है। उसके बाद आता है जी रोम। रोम का मतलब होता है जी नॉन वोलाटाइल। क्या होता है, नॉन वोलाटाइल, जो क्या करती है, जो कि परमानेंटली स्टोर करती है इंस्ट्रक्शंस को फॉर योर कंप्यूटर। तो अब याद आपको याद होगा जो रैम जो है क्या होती है, रैम जो है वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल मतलब वही टेम्परेरी स्टोरेज करती है डेटा और प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था VLW के एग्जाम के अंदर था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर, स्पीकर, मोनिटर और कीबोर्ड। तो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में मुझे तो आपको ज्यादा बोलने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आप जानती हैं हम ये बताना है नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड का काम क्या होता है, यहां से इंस्ट्रक्शंस को देना, ये इनपुट का काम करती है। कीबोर्ड जो है ये इनपुट डिवाइस होती है। तो बाकी रही स्पीकर, ये आउटपुट, प्रिंटर आउटपुट, मॉनिटर आउटपुट। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, कीबोर्ड जो है यहाँ पे इसका आंसर आएगा, क्योंकि जो कीबोर्ड है ये एक इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है ये एक इनपुट डिवाइस है। ओके देखिए आउटपुट डिवाइस के अंदर मॉनिटर हो या फिर आपका प्रिंटर हो, इम्पैक्ट प्रिंटर्स हो, क्योंकि प्रिंटर्स के अंदर जो है बहुत सारे अगर डिफरेंस भी हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर आता है डेजी व्हील प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स मैट्रिक्स प्रिंटर, चेन एंड बैंड प्रिंटर्स, और नॉन इम्पैक्ट के अंदर आता है लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर। तो बहुत कुछ आगे लंबा है, हम वहां जाने की जरूरत हमें नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहां पे लैंग्वेज की बात हो रही है, तो आपको बताना है कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। अगर आपने लैंग्वेज के बारे में पढ़ा होगा तो आप ये क्वेश्चन जो है वो इजीली आप कर पाएंगे, ठीक है ना। लैंग्वेज क्या होता है, जैसे आपको बताएं हम, यहां पे लिखा हुआ है आपका पाइथन। क्या लिखा हुआ है, पाइथन लिखा हुआ है। पाइथन जो होती है ये एक इंटरप्रेटेड हाई लेवल और जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे लिखा है असेंबली, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, असेंबली। असेंबली जो होती है ये आपको हाई लेवल नहीं मिलेगा, बल्कि ये जो होते हैं ये कौन सी लैंग्वेज होती है, यही इसका आंसर आएगा कि असेंबली जो है ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्योंकि जो जावा होता है, जावा एप्लेट्स जो है ये क्रिएट किए जाते हैं इस लैंग्वेज से, और ये जो जो लैंग्वेज होती है यूज होती है वेब पेज के लिए, वेब पेज क्रिएशन के लिए, वेबसाइट्स को होस्ट करने के लिए। तो ये चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें सी की, ठीक है ना। सी जो है आपको बताएं कि डिनस मैकलिस्टर रिचर्ड ने 1972 में ये इन्वेंट किया था सी लैंग्वेज को, और दिस लैंग्वेज कोडिंग रिप्लेस्ड बाय जावा नाउ। अब क्या है, इसको किसने रिप्लेस किया है, जावा ने इसको रिप्लेस कर दिया है,
तो जावा जो होता है, जावा जो है ये एब्रीवेशन है जेएस, ठीक है ना, ये को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कंफर्म टू द ACMA स्क्रिप्ट स्पेसिफिकेशन। जावास्क्रिप्ट जो है हाई लेवल है, ऑफन जस्ट इन टाइम कंपाइल्ड एंड का हम क्या कह सकते हैं, इसको हम मल्टी पैराडिज्म कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, असेंबली लैंग्वेज जो है ये नॉट ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेस द लास्ट इन फर्स्ट आउटपुट प्रिंसिपल, लिफो। लिफो प्रिंसिपल क्या होता है ये शायद ही कोई जानता हो, चलो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे लिफो के बारे में। देखिए लिफो की बात करें, इसका जो मेन इसका जो फुल फॉर्म है वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे आपने इसको पढ़ा। ये एक मेथड है प्रोसेसिंग डेटा के लिए और ये अपोजिट होता है फिफो के। लिफो वर्क्स करता है ऑन द प्रिंसिपल दैट द एटम्स दैट एंटर द लास्ट आर द फर्स्ट टू बी रिमूव्ड। कंप्यूटर्स समटाइम्स डिप्लॉय द मेथड व्हेन एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम द डेटा बफर और एन एरे। व्हेनेवर ए प्रोग्राम नीड्स एक्सेस टू द मोस्ट रिसेंटली एंटर्ड इंफॉर्मेशन द सिस्टम डिप्लॉयज दिस लिफो मेथड। ऑन द कंट्रेरी द फिफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कम्स इनटू प्ले व्हेन ए प्रोग्राम नीड टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन इन द ऑर्डर ऑफ द एंट्री। तो हम बात करें कैरेक्टर की, इसके लिफो के कैरेक्टर क्या होते हैं। लिफो प्रिंसिपल इज वेरी इफेक्टिव इन द इंप्लीमेंटिंग स्टैक। It is a linear data structure. You can both add and remove elements from the same end. The end in LIFO is known as the top. The utilization of memory varies with each operation, so the memory consumed has no fixed amount. तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, स्टैक। जैसे मैंने बताया द लिफो प्रिंसिपल इज वेरी इफेक्टिव इन द इम्प्लीमेंटिंग स्टैक, तो स्टैक जो है इसका आंसर आएगा। वट इज द पर्पज ऑफ एन एलोग्रेथम इन ए कंप्यूटर साइंस, तो एलोग्रेथम का क्या काम होता है, क्यों हम जो है कंप्यूटर साइंस के अंदर इसका क्या पर्पज रहता है। तो ये आप जानते हैं, टू प्रोवाइड स्टेप बाई स्टेप सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। विच प्रोग्रामिंग पैराडिग्म इज एसोसिएट विद ऑब्जेक्ट्स दैट इनकैप्सुलेट डेटा एंड बिहेवियर, तो इसका जो आंसर आएगा जी वो आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए कंपाइलर, कंपाइलर का क्या पर्पज होता है इन प्रोग्रामिंग के अंदर, कंपाइलर का क्या फंक्शन होता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंपाइलर इन प्रोग्रामिंग, इसका काम होता है टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, याद रखना ये कंपाइलर का ये पर्पज होता है। व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर इन वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट के अंदर हम बात कर रहे हैं तो HTML का क्या स्टैंड क्या फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मॉकअप लैंग्वेज जो है इसे हम कहते हैं HTML। Which of the following is not an input device? कौन सा input device नहीं है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा प्रिंटर, क्योंकि माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, स्कैनर इनपुट है। उसके बाद आप क्वेश्चन पूछा गया था जी सॉफ्टवेयर के ऊपर कि व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड प्रोवाइडिंग ए यूजर इंटरफेस, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन सा सॉफ्टवेयर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेज हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड प्रोवाइडिंग ए यूजर इंटरफेस, तो इसके हम बात कर रहे हैं, इसका जो आंसर आया हुआ है, इसका जो आंसर आता है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है, क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको बताया इसके बारे में। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या प्राइमरी जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, द सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी मॉडिफाइड, जो है इसका आंसर आएगा ये, इसका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या है एक कैरेक्टर है। विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द डेवलपमेंट ऑफ द ओपन सोर्स वेब ब्राउजर फायरफॉक्स, तो फायरफॉक्स जब आप खोलते हैं तो आपने वहां पे देखा होगा ऑटोमेटिकली वहां पे आपको वहां देखने को मिलेगा मोजिला, ठीक है ना। तो मोजिला फाउंडेशन जो है इसका आंसर है, ठीक है ना, कौन सा आंसर है मोजिला। व्हाट डज SQL स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट MSSS, MSSS की बात हो रही है तो बताइएगा जो SQL है ये क्या किस में हम स्टैंड किस तरह करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की हम बात करें ये हम इसको स्टैंड करते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर ए सिंगल स्लाइड इन ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो इसका जो क्या आंसर आएगा, हम क्या करते हैं स्लाइड,
ओपन करते हैं. व्हाट डज पीडीएफ स्टैंड फॉर? पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है ना. आप बहुत ज्यादा यूज करते होंगे पीडीएफ. व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर? यूआरएल की बात हो रही है. यूआरएल जो होता है इसको हम किस तरह से हम स्टैंड करते हैं, ये अक्सर जो इजी क्वेश्चन होते हैं ये कई बार जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गलत करके आ जाते हैं. तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यहाँ पे है. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है इसका आंसर आएगा यू एन आर एल. तो अक्सर जो है ये क्वेश्चन हमने देखने को मिला हुआ है, ठीक है ना. तो यू एन एल आप क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहेंगे. और जो इसको हम कहते हैं वेब एड्रेस, ठीक है ना, वेब एड्रेस को ढूंढने के लिए हम यू एल का इस्तेमाल करते हैं. व्हाट डज सी सी स्टैंड फॉर इन एन ईमेल कॉन्टेक्स्ट? जब आप एक ईमेल करते हैं, ठीक है ना, ईमेल में आप सी सी वहां कभी कभार आता है. आपने कई बार जब ईमेल किया होगा तो वहां पे सी सी जो है आपने देखा होगा. तो सीसी का मतलब क्या होता है? एक आता है सीसी, दूसरा आता है बीसीसी. आता है या नहीं आता है? तो आपने पढ़ा ही होगा सीसी और बीसीसी के बारे में. तो सीसी जो होता है इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी. क्या होता है जी? कार्बन कॉपी हम बोलते हैं सीसी को. और दूसरा जो है आपके पास कौन सा आता है? देखो हम सीसी कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें शेयरिंग इंफॉर्मेशन करनी हो फॉर रेफरेंस के लिए, या ग्रुप मेल करना हो तब हम यूज करते हैं, या हमें इंट्रोड्यूस करने हो कॉन्टैक्ट्स तब हम यूज करते हैं, या ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन के लिए तब भी हम यूज करते हैं सीसी का, ठीक है ना. तो सीसी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है. बीसीसी, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी. तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है ये भी अपनी जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो हम कब यूज करते हैं? जब हमें प्रोटेक्ट करना हो प्राइवेसी को, जब हमें मास ईमेल्स भेजनी हो, जब हम इवेंट्स को इनवाइट करना हो, जब हमें कन्वर्सेशंस को फॉरवर्ड करना हो, या डॉक्यूमेंटेशन करना हो, या फिर इंट्रोडक्शन देना हो, तब हम करते हैं बीसीसी. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज ए कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो बहुत ही इजी वे में यहाँ पे बताया गया है कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है. तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो डिजाइन किया जाता है टू डैमेज और इनफेक्ट कंप्यूटर्स को, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है हाउ डज कंप्यूटर वायरसेस टाइपिकली स्प्रेड? किस तरह से जो है कंप्यूटर वायरस जो है वो स्प्रेड होते हैं जब आप वाया ईमेल अटैचमेंट डाउनलोड्स और इन्फेक्टेड फाइल्स? यहां इसका यही आंसर आएगा विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर वायरस. तो यहां पे क्या होता है, कौन सा जो है कॉमन ऑब्जेक्टिव जो है वो इसका नहीं है, किसका नहीं है? कंप्यूटर का. आप लिखा है स्प्रेडिंग अवेयरनेस, कि आपको वो ऑनलाइन सिक्योरिटी के बारे में स्प्रेड वो अवेयरनेस करेगा? नहीं, यही इसका आएगा ऑप्शन. Which of the following is a well-known antivirus software developed by Symantec? Symantec एक कंपनी है, इसने जो है Norton antivirus को जो है क्या किया है, डेवलप किया है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा आप. ये किसने किया, ये किसने किया, ये किसने किया है, कब किया है, तो किसने किया है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना. ये भी क्वेश्चन नेक्स्ट आ सकते हैं. Which feature is in antivirus software designed to protect against malicious website एंड ऑनलाइन थ्रेड्स? तो कौन सा यूज होता है? देखिए यहाँ पे हम बात करें इसका जो आंसर है इसमें कंफ्यूजन है. या तो फायर वॉल आ सकता है, यहाँ पे तो एंटी फिशिंग आ सकता है. तो यहाँ पे जो आंसर आया हुआ है वो एंटी फिशिंग आया हुआ है जो आंसर की के ऊपर है. पर बहुत से बच्चों ने यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे ग्रैमिंग सबमिट की हुई है. अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है जो है निकल के सामने क्या आता है. तो देखते हैं फायर वॉल आता है या फिशिंग आता है. तो आई थिंक फायर वॉल आना चाहिए. तो ये थे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन थे जो कि VLW के एग्जाम के अंदर पूछे गए थे. तो आप भी इन क्वेश्चन को देखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं.